हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक पेज पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शियाटिका के बारे में, यानी शियाटिक नर्व का जो पेन होता है। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शियाटिका क्या है, कैसे होता है, यानी इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, और अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स यानी लक्षण देखने को मिल सकते हैं, और कैसे इसका डायग्नोसिस यानी कैसे इसकी जांच की जाती है, क्या क्या टेस्ट इसके लिए ज़रूरी हैं, और कुछ बचाव की हम बातें करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कुछ एक्सरसाइजेज जो आप कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से निजात के लिए। और लास्ट में हम हमेशा की तरह रखेंगे होम्योपैथिक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कुछ होम्योपैथी की कुछ कॉम्बिनेशन है, रेडीमेड मेडिसिन होती हैं, कुछ मेडिसिन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती हैं, तो कौन कौन सी मेडिसिन आप इस प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शियाटिका क्या है। देखिए, शियाटिका जो है एक शियाटिक नर्व का पेन होता है, यानी दर्द होता है। और शियाटिक नर्व एक ऐसी नर्व है हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी है, यानी बिगेस्ट है और वाइडेस्ट है, सबसे बड़ी है और सबसे चौड़ी है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं। और हर एक नर्व का काम होता है बॉडी में मस्कुलर सप्लाई, यानी मसल्स को कोऑर्डिनेशन करना, हर तरह का एक सेंसेशन, यानी मोटर सेंसेशन है, सेंसरी सेंसेशन है, मोटर का मतलब है मूवमेंट्स कराना, अगर वो मसल्स को जो है सिग्नल देती हैं तो हम चल फिर पाते हैं, मूवमेंट्स होती है, और साथ ही साथ में सेंसरी, यानी कि हर तरह का हमें महसूस होना, सेंसेशन एक तरह की फीलिंग, जैसे मान लो गर्म है, ठंडा है, चुभन है, दर्द है, किसी भी तरह का सेंसेशन, तो ये सारा काम नर्व का होता है। और शियाटिक नर्व जो है आपका, यहाँ पे मैंने इमेज लगा दी है, लोअर बैक से इसकी स्टार्टिंग होती है और ये पूरा सप्लाई करता है आपके लोअर बैक को, फिर हिप्स पे, और फिर थाइस में आता है पीछे जांघ के होते हुए, और फिर ये आपके जस्ट बिलो योर नी, यानी आपके घुटने से थोड़ा सा नीचे इसकी एंडिंग हो जाती है। तो ये इसकी सप्लाई का मतलब ये कि ये यहाँ यहाँ पे जो है सप्लाई करती है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है, सियाटिका प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमने बात करी शियाटिका की। और देखिए, शियाटिका एक कंडीशन हम इसको नहीं कहेंगे, ये शियाटिक नर्व का कंप्रेशन, यानी अगर आपकी शियाटिक नर्व दब गई है तो उसकी वजह से ये पेन हो सकता है। ये सिर्फ एक सिम्टम्स रहेगा, एक लक्षण रहेगा, ना कि ये कोई पूरी प्रॉब्लम। तो इस तरह से ये बात है यहाँ पे। और फिर किसी किसी में कम प्रॉब्लम हो सकती है तो किसी में ज़्यादा हो सकती है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है, बहुत ही कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। सप्लाई की हमने यहाँ पे बात कर ली है कि क्या क्या, कहाँ कहाँ पे ये इसका ओरिजिन है, कहाँ पे इंसर्शन है, यानी कहाँ कहाँ पे ये सप्लाई करती है, और क्या क्या इसके काम है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज ऑफ शियाटिका नर्व, यानी शियाटिका अगर आपको पेन है तो इसके पीछे क्या वजह है। देखिए, इसको शियाटिक न्यूराइटिस भी कहते हैं, यानी एक नर्व का प्रॉब्लम है, नर्व में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, कंप्रेशन है, तो शियाटिक जो है न्यूराइटिस भी इसको कहा जाता है। सिम्टम्स और कॉजेज की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कारण की बात कर लेते हैं, क्या कारण है। देखिए, कारण जानने से पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी जो स्पाइन है वो टोटल तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले आता है उसमें आपके वर्टिब्राज, यानी छोटी छोटी बोनी स्ट्रक्चर्स, बोनी लाइक स्ट्रक्चर जो कि कार्टिलेज की बनी होती है, वर्टिब्राज होती हैं। उन वर्टिब्राज के बीच में होता है डिस्क। डिस्क को हम कशन भी कहते हैं, यानी वो एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी मान लो हम बेंडिंग करते हैं, आगे पीछे झुकते हैं, तो वो एक तरह का फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो उनके बीच में, जिसको कि हम इंटर वर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं, यानी डिस्क भी कहते हैं, और उनसे फिर पासिंग होती है नर्व्स की, यानी तंत्रिकाओं की। तो इस तरह से कुल टोटल इन तीनों का स्ट्रक्चर बना होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब ये सीधी सी बात है कि अगर आपका जो है वर्टिब्राज के बीच में जो डिस्क है आगे पीछे खिसक गया है, क्योंकि इसका कॉमनेस्ट कॉज, यानी सबसे सामान्य जो कारण है वो है हर्निएटेड डिस्क, यानी आपकी डिस्क का अपने स्थान से खिसक जाना, बल्ज हो जाना, हर्निएशन हो जाना, उसका खिसक जाना। तो उसकी वजह से अगर वो खिसकेगी तो ऑब्वियस ही बात है वो नर्व्स को, तंत्रिकाओं को दबाएगी, और उसकी वजह से जो है आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सबसे कॉमनेस्ट, सबसे साधारण इसका कारण माना जाता है। फिर बात आ जाती है इसमें जो आपका, जिसको कि हम लंबर स्टेनोसिस कहते हैं। लंबर मतलब आपका जो नीचे का स्पाइन का हिस्सा होता है, स्टेनोसिस यानी उसका नैरोइंग हो जाना, सकरा हो जाना। तो ये भी एक रीज़न बनता है, अगर वो सकरा हो जाएगा तो नर्व्स को वो दबाएगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। इसमें क्या होता है कि आपकी जो डिस्क की हमने बात करी वो आगे की तरफ खिसक जाती है, तो वो भी नर्व्स को दबा देती है और इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है।
कुछ ट्यूमर्स आते हैं, कुछ ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है अगर कोई ट्यूमर है, कोई ग्रोथ है तो वो नर्व को दबाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ इन्फेक्शन देखे गए हैं, हमने न्यूराइटिस की बात ही करी है, कुछ इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन की वजह से ऐसा हो जाता है। और एक रेयर सिंड्रोम है जो कि रेयर है बट हाँ किसी किसी प्रॉब्लम देखा गया है, कोडा इक्वेना सिंड्रोम करके है, जिसमें आपकी जो है लोअर स्पाइन की नर्व्स जो है उनमें प्रॉब्लम हो जाता है, कंप्रेशन हो जाता है। तो ये भी एक रेयर सिंड्रोम है जो एक रीज़न बनता है शियाटिका शियाटिक नर्व के प्रॉब्लम के बिहाइंड। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स की यानी लक्षण की, कि इसके पीछे क्या साइन एंड सिम्टम्स यानी लक्षण हो सकते हैं अगर आपकी नर्व दबी हुई है। तो देखिए पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं, सबसे पहले अगर नर्व दब जाती है तो एक शूटिंग पेन होता है, शार्प पेन होता है, पेशेंट बताते हैं दर्द हमें लगता है और वो पूरे पैर में होता है आपका, ऊपर कमर से लेके और पूरे जो है जांग से होता हुआ और पूरे पैर में वो दर्द होता है, शूटिंग पेन। दूसरा हमने बात करी थी ये सेंसेशन और फीलिंग भी करती है, तो सेंसेशन और फीलिंग का मतलब है अगर ये नर्व दब गई है तो आपको जो है टिंगलिंग और नमनेस हो सकता है, नमनेस का मतलब सुन्नपन, वहाँ पे आपको कुछ फील ना हो, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि वहाँ पे चींटियाँ सी काट रही हैं, निडल पिनिंग प्रिकिंग पेन काइंड ऑफ पेन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पे हमने बात करी है इसके सिम्टम्स की। और फिर यहाँ पे आ जाता है डायग्नोसिस पार्ट यानी डायग्नोसिस, और देखिए सिम्टम्स जो है पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकते हैं, किसी में कम ज़्यादा, तो किसी में कम सिम्टम किसी में ज़्यादा लक्षण देखने को मिल सकते हैं, कि किसको कम प्रॉब्लम है तो किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस में पूरा आपका कंप्लीट केस हिस्ट्री लिया जाता है, पूरा मेडिकल हिस्ट्री लिया जाता है, कोई इंजरी तो नहीं है, या फिर अगर मान लो कोई इनिशियली हमें बेसिक चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आपके टेस्ट भी कर सकते हैं, एक्सरेज कर सकते हैं, एमआरआईज कर सकते हैं, सिटी स्कैन, ये कुछ रिक्वायर्ड टेस्ट हैं जो कर सकते हैं एग्जैक्टली देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे डायग्नोसिस की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रिवेंशन इन बचाव की और कुछ जो है एक्सरसाइजेस की। प्रिवेंशन बचाव, देखिए अगर ये नर्व का प्रॉब्लम है यानी हो सकता है आपकी नर्व दब गई है, झटका लग गया है, कोई इंजरी है, तो कोशिश करें आप जो है हल्का फुल्का एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करें ताकि आपकी जो है थोड़ा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहे और जब भी आपको अचानक से कोई मूवमेंट हो तो उतना ज़्यादा जो है नर्व्स को प्रॉब्लम ना हो। पहला स्टेप है कि आपको जो है हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी तरह का कोई लॉन्ग पोस्चर ज़्यादा देर तक ना रहे, लंबे टाइम तक ज़्यादा देर बैठे नहीं रह सकते, रहना चाहिए, खड़े नहीं रहना, मतलब लॉन्ग लंबे टाइम तक किसी भी पोस्चर में ज़्यादा देर तक नहीं रहना ताकि वहाँ पे प्रेशर ना हो। ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो पिजन एक्सरसाइज इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, मैंने पिक्चर लगा दी है। पिजन में कई तरह की एक्सरसाइज होती हैं, बैठने वाली होती हैं और जो है लेटने वाली भी होती हैं, कई तरह की एक्सरसाइज होती है, तो वो आप कर सकते हैं जिससे आपकी जो नर्व्स खुलती है, मान लो अगर वो दबी हुई है तो जिससे आपको आराम मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिंस फॉर शियाटिका यानी शियाटिक पेन अगर आपको है तो उसके लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, कुछ मेडिसिंस मैंने यहाँ पे रखी भी हुई हैं। देखिए कोई भी अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो वीडियो में हम बहुत सी दवाएं बताते हैं पर आपको सारी दवाइयां एक साथ नहीं लेनी होती है, एक टाइम पे सिर्फ आपको एक ही दवा यूज़ करनी होती है, अगर उस दवा से आपको आराम नहीं मिलता है तो आप दवा बदल भी सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तो WL36 नंबर रखा हुआ है विजल कंपनी का, जिसके नाम से भी आता है शियाटिक एंड स्लिप डिस्क, ये इस प्रॉब्लम में दिया जाता है। और साथ ही साथ मैंने एक ब्रायोनिया मेडिसिन रखा हुआ है और एक और मेडिसिन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अर्निका, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉजेज की, कि क्या प्रॉब्लम है आपको शियाटिका में तो उसमें आप क्या मेडिसिन लें। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आपको लेफ्ट साइड सियाटिका है, बाहिनी तरफ अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कोलोसिंथेस दवा ले सकते हैं होम्योपैथी का, और अगर आपको दाहिनी तरफ प्रॉब्लम है राइट साइड सियाटिका है तो आप मैगफॉस ले सकते हैं। ये तो बात रही साइड बेस्ड की कि आप इस प्रॉब्लम में ये मेडिसिन ले सकते हैं, और अगर आपको कोई इंजरी कोई चोट लगी है कोई बड़ा इंजरी हुआ है उसके बाद कौन सी मेडिसिन लें, बहुत मेडिसिन हैं जैसे अर्निका है, अर्निका मैंने यहाँ पे रखा भी हुआ है तो आप अर्निका ले सकते हैं। कोई भी होम्योपैथिक दवा अगर आप लेते हैं तो आप ऐसे लिक्विड में ले सकते हैं, इनके ऊपर जो है पोटेंसी देखिए लिखी हुई है 200 पाव में और ड्रॉपर भी इन पे लगे हुए होते हैं, तो दो दो तीन तीन बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से आधा घंटा पहले आप ये दवा यूज़ कर सकते हैं, लगातार 3-4 हफ्ते तक यूज़ करें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको दवा लंबा यूज़ करना पड़ सकता है, कम प्रॉब्लम है तो आपको जल्दी आराम पड़ जाए तो आप दवा जल्दी भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमने बात करी यहाँ पे अगर आपको चोट की वजह से हुआ है तो उसमें अर्निका काम करता है और हाइपेरिकम काम करता है, ये दो दवाएं हैं जो चोट के बाद बहुत अच्छा काम करती हैं, शियाटिका में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम की। देखिए अगर आपको
चलने से प्रॉब्लम बढ़ती है तो आप ब्रायोनिया ले सकते हैं। ब्रायोनिया भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ब्रायोनिया 30 पाव में ले लें या 200 पाव में ले लें, सेम वैसे ही लेना है। दो दो तीन तीन बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से आधा घंटा पहले, और लगातार आपको ये मेडिसिन यूज़ करना है 2-4 हफ्ते तक। सेम कम आराम है तो ज़्यादा दवा लेना पड़ सकता है, और जो है कम प्रॉब्लम है तो आपको दवा जल्दी छोड़ना भी पड़ सकता है। आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको डोज लेना पड़ सकता है, बढ़ाना भी पड़ सकता है, कम भी करना पड़ सकता है। तो जी हमने बात करी यहाँ पे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस की, और ये कुछ कॉम्बिनेशन प्रिपेयर्ड मेडिसिंस होती हैं, जैसे 36 नंबर से आता है डॉक्टर रेकवे का, 71 के नंबर से आता है, मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। उनको लेना कैसे होता है, इन सभी दवाओं पर लिखा हुआ होता है। 1 चम्मच पानी में ये ड्रॉपर्स होते हैं, 5-10 बूंदें आप ले सकते हैं, दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, थोड़ा बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, तो आपको इस प्रॉब्लम से राहत मिल सकती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियोस आपकी मदद करें। आपको ये वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इन्हें ज़रूरतमंद लोगों से शेयर करें, और जिन जिन को जो जो प्रॉब्लम है उनसे वो रिलेटेड वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अलग अलग वीडियोस की स्क्रीन भी डालनी स्टार्ट कर दी है, तो अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं उन वीडियोज़ पर तो उन पर क्लिक भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।